हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, इस केस में अपराध की जड़ें इतनी गहरी थीं कि जिसकी पकड़ में रिश्ते, परिवार, पावर, पॉलिटिक्स, गुस्सा जो किसी भी अपराध का कारण बन सकती थी। पर क्या शुक्ला परिवार अपराध की इस दस्तक से वाकिफ था? भैया जी, 12 बजे जो बबली भाभी का रैली है ना, उसका पूरा इंतजाम हो गया है। वो फूल वाला आ गया है, ये रखो और भैया जी के लिए पानी गर्म करो। और उसका सब तैयारी हो गया है, वो फूल आ गया है, कुर्सियां हो गया है, वो टेंट वाला हो गया है, वो जो बड़ा वाला झंडा कहते हैं वो भी हो गया है। अरे बहू का भाषण सुने का बोलने वाली है? वो तो विष्णु बाबू देख रहे हैं ना। वो बड़का का देखेगा, बैल बुद्धि है साला। हमारा बबलू होता तो कोनो चिंता ही नहीं रहता। कहाँ भैया जी, बबलू बाबू से सुबह ही बात हुई। प्रचार तो क्या, वो तो वोट डालने भी नहीं आ रहे हैं। उनका वकालत के चक्कर में बबली भाभी का एक वोट ही कम हो जाएगा। उगता सूरज है हम, उजाला लाने आए। ये उगता सूरज सिर्फ हमारा चुनाव चिन्ह ही नहीं, बल्कि हम सबका भाग्य भी है। ये उगता सूरज हर घर आंगन में रोशनी लाएगा और इसकी चमक से हमारे विरोधियों की आंखें चौंधिया जाएंगी। इसलिए उगता सूरज के बटन को दबाएं और बस उतर गया ना गाड़ी पटरी से तुम्हारा। ऐसे अटक अटक के बोलोगे ना तो जो नेता लोग है ना विरोधी, नीचे हकली नेता लिख के ना तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, फिर बन जाइएगा विधायक। चलो कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा, फिर से बोलो। भैया कॉन्फिडेंस लाने से कुछ नहीं होगा, राजनीति ना खून में होती है। अगर कोई भी भाषण रटने से नेता बन जाता तो तोता भी मंत्र रट के पंडित बन जाता ना, है ना? थोड़ा कम बोला करो पुष्पा। ननद भाभी को प्रोत्साहित नहीं करेगी तो गढ़ जीत कर भी शुक्ला परिवार अंदर से हार जाएगा। तुम तैयारी करो। बाऊजी नाश्ता ले आए? नाश्ता वास्ता तुम रहने दो, अब चूल्हा चौकी पुष्पा को करने दो। विदा होके जाएगी तो ससुराल में काम आएगा। चूल्हा चौकी तो बाबूजी पुष्पा सीख ही लेगी, लेकिन हमको लगता है कि आप हमको चूड़ी पहना के घर में बिठाने का पूरा मन बना चुके हैं। सर नंबर हमारा था, लेकिन ये महिला आरक्षण के चक्कर में इनको नेतागिरी सिखा रहे हैं बैठ के यहाँ पर। इस बारे में जितना बहस करना था वो हो चुका, अब घुंघरू फोड़ के का फायदा। बहू का रैली का तैयारी करो। संजीव लिस्ट निकालो। सुनिए, आप हमसे नाराज काहे हो रहे हैं? हम बाऊजी के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं, असल में गद्दी आपका ही रहेगा। ज्यादा नेत्री से अभिनेत्री मत बनना हमारे सामने, तो हमारा दिमाग फिर गया ना तो सारी नेतागिरी तुम्हें निकाल देंगे हम, समझी? हाँ बोलो। विष्णु जी, हमको आपसे जरूरी बात करनी है। अभी हम तुम्हारा कविता पाठ सुनने के मूड में है नहीं बिल्कुल, बाद में फोन करना। अरे अगर हमें कविता सुनानी होती तुम आपको मैसेज नहीं करते। देखिए बात गंभीर है, हमको अभी आपसे मिलना पड़ेगा। देखो कहे थे ना वोटिंग के बाद मिलेंगे तो मिलेंगे, बाद में कॉल करना, रखो। कुमुदबा जी, पंडित जी, ए अम्मा जी को गुरुजी के पास लेके जाना है, गाड़ी निकालो। जी पंडित जी। अरे भाई सुमिता, अरे ऊपर वाले के चक्कर में नीचे वालों को मत भूल जाना। देखो हम छुएगा नहीं, व्रत लिए हैं। गुरुजी ने हमसे कहा है कि इस बार हमारा संकल्प पूरा हो गया तो सबका पोल पट्टी खुल जाएगा। अरे वो गुरुजी तुमको चुना लगा रहा है। अरे, अरे जाने वाला तो चला गया सुमिता, अब तू कहा अपनी जान जला रही है? चलते तो रोज ही है, जब तक हमारे मुन्ना बेटे के कातिलों का पता नहीं चल जाता
हम चैन से नहीं बैठे। हो गया तुम्हारा, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता है। साला शादी किसी और के साथ करोगे, हनीमून किसी और के साथ। वो क्या है ना, टूर्नामेंट से पहले नेट प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो साला सुहाग रात को अच्छे से परफॉर्म नहीं किए ना तो शुक्ला परिवार का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सही बोलती हो, साला खून में ही राजनीति है। लेकिन वो तुम्हारी बबली भाभी, वो तो तुमको पानी पानी कर दी। जीतेगी भाई जीतेगी, बबली शुक्ला जीतेगी। जीतेगी भाई जीतेगी, बबली शुक्ला जीतेगी। भाई जीतेगी, बबली शुक्ला जीतेगी। भाई जीतेगी, जीतेगी। भाई जीतेगी, जीतेगी। भाई जीतेगी। हमारे विष्णु भैया को तो तुम्हारे बाबूजी बबली भाभी की पूंछ बना दी है। तुमको क्या लगता है, तुम्हारी बबली भाभी मृगनानी के आगे टिक सकती है? हमारी नेता कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। विष्णु शुक्ला, आगे आने से कछु नहीं होगा, गाड़ी तुमको ही पीछे लेना होगा, चलो। ओ त्यागी, अलग तुम हमको पीछे करोगे? क्या कर रहा है विष्णु? अरे त्यागी क्या कर रहे हैं? देखो त्यागी, चुनाव के समय दंगल ठीक नहीं है, इससे दोनों पार्टियों का छवि खराब होगा। छवि तो इनका खराब होगा। कर दीजिए ना इनको खुश, जाने दीजिए, लड़के लाल बड़ी चोट खाए। वैसे भी जब से इनके छुटके भैया गए हैं बबलू, इनका दाल गला नहीं लगता। हमरा चुनाव में जीतना पक्का है, ये बबली हमको क्या हराएगी। चलिए गाड़ी पीछे लीजिए। लाश का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ है, बॉडी पे कोई आई कार्ड या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। ये हिट एंड रन का केस नहीं लगता, लड़की को पर्पसली यहां लाकर मारा गया होगा या फिर मारने के बाद इसकी बॉडी यहां फेंकी गई। इसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचला गया ताकि इसकी पहचान ना हो। सर आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करते, कहीं ना कहीं तो इसकी मिसिंग कंप्लेंट जरूर फाइल हुई। जल्दी पता करो, चुनाव का टाइम, हो सकता है किसी राजनीतिक रंजिश की वजह से इसका मर्डर हुआ हो। एक तो बहू को डरा के रखा है और अब रैली में त्यागी से भिड़ गया। बबलू को बुलाने के लिए मनाना ही पड़ेगा। पूरा घर में देवी के सामने इज्जत की ऐसी की तैसी हो रही है। ये भानु प्रताप शुक्ला है ना, हमारा बहुत शोषण कर रहे हैं। बाबूजी से सीधे भानु प्रताप शुक्ला, पहले कहते इतने मत चढ़ाइए कि मुंह से जहर निकले। और उनके मुंह से 24 घंटे बबलू 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 निकलता रहता, सुन सुन के कान पक गए हमारे। हम हैं बाराबंकी के भावी विधायक। हम भैया जी गोली पीट कर चुके निकला है, विष्णु भैया को बचा लिया है, खून बहुत बहा है इसलिए बेहोश हो गए। पुलिस को पता तो नहीं चला? नहीं नहीं, सब निपटा लिया, आप चिंता मत कीजिए। फोन लगा बबलू को, बताओ क्या हुआ उसके भाई के साथ, समझाओ उसको। वकालत अगले साल भी कर सकता है, यहां उसका ज्यादा जरूरत है। भैया जी हम बबलू बाबू के साथ जो है लखनऊ से निकल लिए हैं। सर
लखनऊ में गायत्री पांडे नाम की लड़की की एक मिसिंग कंप्लेंट मिली है। सर, ये लड़की एक कवयित्री है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए कर रही है और वही के वुमेन्स हॉस्टल में रहती है, लेकिन बेसिकली रहने वाली बाराबंकी के बिनी गाँव की। हो सकता है गायत्री लखनऊ से बाराबंकी आ रही हो और वहीं उसका मर्डर हो गया हो। गायत्री का एड्रेस है बाराबंकी का, तो फिर गायत्री की फैमिली कहाँ है? सर, लखनऊ पुलिस से पता करवाया, बिनी गाँव में उसके पिता रहते हैं। नहीं, गले संभालने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। और अम्मा, वो कहाँ है? अम्मा तो विष्णु भैया की सलामती के लिए गुरुजी के पास गई है। उन्हें लगता है कि जिसने मुन्ना भैया को मारा है वही विष्णु भैया को भी। अरे, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। वैसे विष्णु ठीक है, और अब तू आ गया है ना, तो तेरी बबली भाभी की जीत पक्की। जी बाबूजी। चल चल अंदर 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 चल। ब्रिज पांडे, गायत्री पांडे के पिता है ना आप? जी साहब। साहब, गायत्री हमसे कभी ऐसा कुछ बोली नहीं कि वो बाराबंकी आ रही है। गायत्री अपने लखनऊ हॉस्पिटल से 2 दिन पहले गायब हुई। कहाँ गई होगी वो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आपको कुछ मालूम पड़ा है क्या? हमें लखनऊ बाराबंकी रोड पर एक लड़की की लाश मिली। नहीं साहब, इसके तो इसका तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। ये गायत्री नहीं हो सकती। थैंक यू। देखो, गायत्री का फोन काम बंद हुआ था, और लखनऊ हॉस्टल में गायत्री के बारे में पता करो, शायद वहां से कोई हिंट मिल जाए। मृणालिनी, हमको मालूम चला है कि भानु प्रताप का छोटा बेटा बबलू लखनऊ से वापस लौट आया है। जानते हैं हम। अच्छा है, पूरा परिवार एकजुट हो गया, पर अभी भी साथ नहीं है। बस एक बार हम ये चुनाव जीत जाए, फिर सुधीर भैया की हत्या का ऐसा बदला लेंगे कि सबको बिखेर के रख देंगे। भैया हम आपके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे बेटे मुन्ना के कातिलों के बारे में भी पता चलेगा, और विष्णु के ऊपर गोली चलाने वालों के बारे में भी, और तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश होगा। पर इसके लिए तुम्हें हमारे बताए गए नियम और कायदा पर चलना पड़ेगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। क्या गायत्री का लखनऊ में किसी के यहाँ आना जाना था, या उससे मिलने कोई यहाँ आता था? यहाँ तो उसे मिलने कोई नहीं आता था, लेकिन आते जाते वो अक्सर फोन पे ही रहती थी। वो यहाँ कम ही रुकती थी, अक्सर कवि सम्मेलन के लिए वो टूर पे ही रहती थी। सर, ये देखिए। उगता सूरज है हम, उजाला लाने आए हैं। उगता सूरज सिर्फ हमारा चुनाव चिन्ह नहीं, ये उगता सूरज तो हमारे भाग्य का है। ये उगता सूरज हर घर हर आंगन को रोशन करेगा। ये उगता सूरज तो भानु प्रताप की पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये सर, इस नोटपैड पे जो जो लिखा है वही भाषण भानु प्रताप की बहू बबली शुक्ला ने अपने भाषण में बोला था। उगता सूरज है हम, उजाला लाने आए। मतलब गायत्री के पॉलिटिकल करेक्शन थे। ये भाषण गायत्री ने भानु प्रताप की पार्टी की कैंडिडेट बबली शुक्ला के लिए लिखा होगा। बिल्कुल सर। सर, गायत्री का फोन बाराबंकी में ही बंद हुआ था, लेकिन गायत्री के फादर ब्रिज का कहना है कि गायत्री बाराबंकी कभी आई नहीं। सर, गायत्री की अपने फादर के साथ ना के बराबरी बात होती थी। गायत्री के कॉल रिकॉर्ड में बबली शुक्ला के पति विष्णु शुक्ला का नंबर भी मिला है। सर, गायत्री और विष्णु शुक्ला की काफी बातें होती थी, और गायत्री ने आखिरी कॉल भी विष्णु शुक्ला को ही किया था। यहाँ जानते हम गायत्री पांडे को, कवित्री है वो, और हम भी उसकी प्रतिभा से प्रभावित हैं। हमारी पार्टी के लिए भाषण लिखती है वो, अभी हमारी बीवी के लिए भाषण उसने लिखा था। भाइयों, मृग नयनी त्यागी वोटों का धूबी,
ध्रुवीकरण। गायत्री इतना मुश्किल हिंदी मत लिखो, हम अटक जाएंगे। बोलना तो वही पड़ेगा जो गायत्री ने लिखा है, नहीं तो बाबूजी से कह दो जाके चुनाव नहीं लड़ना है तुमको। अरे हम मेहनत करेंगे ना इनके हिंदी उच्चारण पे, आप ये सब हम पे छोड़ दीजिए विष्णु जी। गायत्री के फोन से आखिरी कॉल आपको क्या गया था, क्या बात हुई थी आपकी? कुछ खास नहीं, बस गायत्री ने पूछा कि भाषण कैसा था, तो उन्हें बोल दिया कि अच्छा था, तारीफ की उसकी बस। ऐसी भी क्या तारीफ की आपने कि वह कॉल उसका आखिरी कॉल बन गया? एक सेकेंड, आप कन्फर्म है कि हत्या गायत्री की हुई है? मतलब वो जो लाश मिली है वो गायत्री पांडे की है, कन्फर्म हो गया है? वो लाश गायत्री की नहीं थी ऐसा मैं लग तो नहीं रहा। आपके लगने या ना लगने से क्या होता है, पहले जाइए अपना होमवर्क करके आइए, फिर पूछताछ कीजिए। होमवर्क तो हम कर ही लेंगे। तुम लखनऊ से लॉ कर रहे हो ना, और गायत्री पांडे भी लखनऊ से ही पढ़ रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं, हमने गायत्री को मार दिया? हम ऐसा कह तो नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसा है तो ये साबित करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलते हैं। शुक्ला सदन में आना जाना था? शुक्ला सदन आपके गांव से ज्यादा दूर नहीं है, और गायत्री का वहां लगातार आना जाना था, ये बात आपको पता तक नहीं? गायत्री 3 साल से लखनऊ में ही थी, और मैं सच बताता हूं साहब, मुझे नहीं मालूम था कि गायत्री का बाराबंकी में इतना आना जाना था, और साहब मुझे आज भी नहीं लगता कि वो लाश गायत्री की होगी। तो फिर गायत्री है कहां? गायत्री के पिता ब्रिज इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, गायत्री के पिता ब्रिज ने लाश की शिनाख्त नहीं की थी, इसलिए हमें लाश का डीएनए गायत्री के पिता ब्रिज के डीएनए से मैच करवाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। फिर हमने दूसरा रास्ता खोजा, हमने गायत्री के हॉस्टल से उसके टूथब्रश, अंडरगारमेंट्स डीएनए के लिए कलेक्ट किए। रिपोर्ट आने में वक्त लग रहा था, और बाराबंकी के चुनाव खत्म हो चुके थे। ये चुनाव विष्णु शुक्ला की पत्नी बबली शुक्ला भारी मतों से जीती थी। बबली शुक्ला की जीत कई लोगों की जिंदगी में कई तरह के असर डाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ गायत्री के पिता ब्रिज अब भी गायत्री की वापसी की उम्मीद में लखनऊ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे। सर, सर गायत्री के जो डीएनए सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे वो डीएनए सैंपल उस लड़की के डीएनए से मैच करते हैं जिसकी लाश हमें लखनऊ बाराबंकी रोड पे मिली। सर डीएनए रिपोर्ट से ये साफ होता है कि वो लाश गायत्री की थी, और गायत्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि गायत्री 1 मंथ प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट, ये भी साफ है कि गायत्री विष्णु के बहुत करीब थी, हो सकता है वो बच्चा विष्णु का ही हो, और उसी बच्चे की वजह से गायत्री की मौत हुई हो। शुक्ला सदन चलते हैं, गाड़ी निकलो। साहब विष्णु भैया और सारा परिवार चुनाव जीतने की खुशी में कुलदेवी के मंदिर गए हैं, वो लोग रात तक ही वापस आएंगे। ठीक है, कर लेने दो दर्शन, वैसे भी इन्हें ऊपर वाले की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तब तक हम गायत्री के बाप से मिलते हैं। चलो बोलो मैया रानी की जय। भाई मंदिर तो एक बहाना है, लेकिन सालों बाद हम सब एक साथ कहीं जा रहे हैं, इसका हमें बड़ा खुशी है ना? भाई हम सब एक साथ तो है, लेकिन हमको अभी भी लगता है कि हम एकजुट नहीं है। बाबूजी हम जानते हैं कि आपका इशारा हमारी तरफ ही है, लेकिन अब हम जो कहेंगे वो सच कहेंगे और दिल से कहेंगे। अब हम आप सबसे विदा लेने वाले हैं, आपने हमारी शादी जो पक्की कर दी है, और जाते जाते हम यही कहेंगे कि हमें बबली भाभी की जीत से बहुत खुशी है, और विष्णु भैया आप भी ना सारे गिले शिकवे दूर करके बबलू भैया की शादी में लग जाइए।
जब इन्होंने अपनी दुल्हनिया खुद ढूंढ ली है तो बजाए शनाई आप लोग। अरे भाई ये तो दुगुनी खुशी की बात है, बेटी घर से विदा होगी अब बहू घर में आएगी। सही है। आप सब बताते रहेंगे का, ये लीजिए लड्डू खाइए। साहब माना कि आपका दावा सही था, लेकिन आप ही सोचिए एक बाप अपनी बेटी के बारे में कैसे सोच सकता है, उसका चेहरा भी किसने मारा होगा मेरी बेटी को। सिर्फ गायत्री को ही नहीं मारा गया, गायत्री के साथ उसके बच्चे का भी मर्डर हुआ। गायत्री 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? हेलो, बस में सभी लोग कुलदेवी मंदिर जा रहे थे, सभी ने पता नहीं क्या खा लिया कि सभी लोग बस में जो है बेहोश मिले। सब बस में बेहोश मिले तो तुम कहाँ थे? साहब मैं बस में नहीं था, मुझे भैया जी ने गाड़ी पीछे पीछे लाने के लिए कहा था। मंदिर की क्रॉसिंग तक हम साथ ही थे और मुझे एक जरूरी फोन आया, मैं पीछे रह गया। साहब जब आगे पहुंचा तो मैंने देखा बस खड़ी हुई है, बस के साथ एक गाड़ी भी खड़ी हुई थी, उसे देखकर मुझे ठीक नहीं लगा। कौन था वो आदमी? सब वो तो पता नहीं, सबने मुंह ढके हुए थे लेकिन सबके हाथ में गन्स थी। सबके हाथ में गन्स थी पर बस में तो सबके मुंह से झाग निकल गए थे। साहब ये बात मेरी भी समझ में नहीं आया कि ये सब उन्होंने कैसे सब सब। बस में पुष्पा भी थी लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पुष्पा गायब थी। पुष्पा भानु प्रताप की बेटी? क्या उन आदमी ने पुष्पा को किडनैप किया? उन लोगों के साथ पुष्पा को नहीं देखा लेकिन पुष्पा बस में भी नहीं थी। सर सभी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल लग रही है, हम सबकी बॉडी से पॉइजन फ्लैश आउट कर रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सर। डॉक्टर 6 नंबर मरीज की हालत बहुत सीरियस है। सर विष्णु शुक्ला ने दम तोड़ दिया, उसके घर के बाकी लोगों की हालत भी काफी सीरियस है। सर अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि इस गायत्री के मर्डर में विष्णु इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ तो विष्णु और उसके पूरे परिवार को मारने की साजिश हुई है। लेकिन घर की बेटी पुष्पा गायब है, मुझे इस भूषण के बयान पे डाउट हो रहा है। दिनेश तुम क्राइम सीन पर जाओ। सर काहे झूठ बोलेंगे, हमने उन 2 गुंडों के साथ उन गाड़ी में भागते देखा, हमने उस गाड़ी को पहले भी देखा है, वो गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। हम फोन सुनने के लिए रुके तब शायद वो आगे चली गई। तू ये सारी बातें इंस्टॉलमेंट में क्यों बता रहा है? साहब इतना सब कुछ हो गया, हमारे हाथ पैर ठंडे हो गए। साहब ऐसे सवाल मत पूछिए साहब। सच में हम शुक्ला परिवार के बहुत वफादार हैं। तो दुश्मन कौन है जो शुक्ला परिवार को जहर देकर मारना चाहेगा? साहब उमा शंकर और ये मृगनिर्मी त्यागी, वही लोग, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है भैया जी की फैमिली के साथ ये सब, उन्होंने ही सब किया है। वो जो है वो चुनाव में हारने का बदला ले रहे हैं। सर बस का ड्राइवर शुक्ला परिवार के सिक्योरिटी गार्ड्स, इन लोगों ने भी दम तोड़ दिया है, बस ये लोग ही बचे हैं। कुछ मिला? सर इन लोगों को सिर्फ जहर ही नहीं दिया गया बल्कि इनके साथ लूट भी हुई है। सर किसी के भी पास मोबाइल या पर्स में से कुछ भी नहीं मिला है। सर बस में जितने भी बैग्स मिले सभी खुले हुए हैं, ये सब लूट के साइन से लगता है ये काम किसी प्रोफेशनल चोरी के गैंग का है। भूषण के बयान से बात सच तो साबित हो रही है, लेकिन उसका बयान है अटपटा। भूषण उमा शंकर और उसकी पत्नी मृगनयनी पर शक जता रहा है, तो उन्होंने शुक्ला परिवार पर गोलियां क्यों नहीं चलाई, उन्हें जहर देकर क्यों मारा? लूट हुई है, पुष्पा गायब है, ये कई अनसुलझे सवालों का गुच्छा है। लेकिन सर इन सभी सवालों के बीच गायत्री के मर्डर से जुड़े हुए सवाल जैसे कि वैसे ही। हम ये मानकर चल रहे थे कि गायत्री के पेट में विष्णु का बच्चा होगा,
अब ये बात तो विष्णु और गायत्री के बच्चे के डीएनए मैच करने से ही साबित हो पाएगी। फिलहाल इस कोशिश पर जोर देते हैं कि पुष्पा कहाँ है, क्या उसकी जान खतरे में, क्या ये कोई साजिश रची जा रही है। कुछ दिन पहले आप सुधीर त्यागी के मर्डर का आरोप भानु शुक्ला पर लगा रही थी, वो तो साबित नहीं हो पाया, पर अब देखिए शक की सुई उल्टा आप पर घूम गई है। शुक्ला परिवार जहर के प्रकोप से मर गया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये पुष्पा को अगवा करवाकर आप कौन सी नफरत निकाल रहे हैं। देखिए हम ना ही किसी को मरवाए हैं और ना ही अगवा कराए हैं, काहे बासी बासी सुनते सुना रहे हैं आप। ठीक है नहीं बात करते, इस लड़की को पहचानती हैं आप? इसका कविता गोष्ठी सुना है और इसको मारा कौन है तो जानते होंगे आप। अच्छा है इतना सब तो जानती हैं आप। इंस्पेक्टर काहे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जाइए अपना टाइम कहीं और लगाइए। दो नकाब पोश भेजे थे आपने शुक्ला परिवार को मरवाने के लिए, जैसे ही वो हमारी पकड़ में आ गए सीधा अंदर जाएंगे आप। चलते हैं। सर हम बबलू शुक्ला को नहीं बचा पाए सर, सर उनकी कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल है, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग भी रिकवर करें। थैंक यू जी। जी सर भूषण पंडित कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, रुकिए हम देखते हैं। रहने दो, मुझे तुमसे ही बात करनी है। जब शुक्ला परिवार मंदिर के लिए घर से निकला तो तुमने सबको देखा था? हाँ साहब। सब एक साथ बस से निकले थे? भूषण भी बस से निकला था? नहीं साहब, पहले सब लोग बस से नहीं जा रहे थे, पहले सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे थे। भैया जी चुनाव में जो जो खर्चा हुआ था उसका हिसाब कर लिया है सभी, आप देख लीजिए। आप ये फाइल को कार में रखवा दो, हम जाते हुए देख लीजिए। बाबूजी आज आप कार से नहीं बस से जाएंगे, अम्मा के साथ और हमारे साथ। क्यों? क्यों क्या, अम्मा का मन है कि हम मंदिर जा रहे थे सब लोग साथ में जाएं इसलिए। लेकिन बबलू भैया आप अम्मा का मन रखना चाहते हैं ना, तो आप ही बाबूजी को पटाइए। बाबूजी चलिए ना, सब बोल रहे तो अम्मा का मन रख लीजिए, चलिए सब साथ में चलते आज। ठीक है चलो। चल। सर अम्मा जी का नाम लेकर ही पुष्पा ने सबको बस में बिठाया था, और तुम ये भी बोल रहे हो कि जब तुम वहां पहुंचे तो पुष्पा बस में नहीं थी, पुष्पा उन लोगों के साथ भी नहीं गई। पुष्पा की शादी होने वाली थी, क्या वो इस बात से खुश थी? साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लगता है पुष्पा का किसी लड़के के साथ चक्कर था। चक्कर किसके साथ? नहीं मालूम सर। और तुम्हें लग रहा है कि इस वजह से पुष्पा अपने परिवार को जहर देकर उस लड़के के साथ? ऐसा हमने कब कहा साहब, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अटारी चौक तक पुष्पा बस में सबके साथ बहुत खुश थी। अटारी चौक सब लोग चाय के लिए रुके थे ना। तुम बोल रहे थे कि एक गाड़ी तुम्हारा पीछा कर रही थी, तो वो गाड़ी भी वहां रुकी होगी? तब हमारा नजर गाड़ी पर नहीं पड़ा, वो तो अटारी चौक से निकलने के बाद हमने देखा गाड़ी पीछे आ रही है, तब भी हमें उस पर इतना शक नहीं हुआ। साहब जब आप पूछ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वही गाड़ी। अटारी चौक पे कौन सी चाय की दुकान? सब वहाँ एक ही चाय की दुकान है। देख भूषण, अब तक मैंने तेरी हर बात पर भरोसा किया है, एक बात और सच बता दे, क्या गायत्री का विष्णु के साथ रिश्ता था? साहब हम सच कह रहे हैं, हम उतना ही जानते हैं जितना विष्णु बाबू हमें बताए। गायत्री लखनऊ के एक हॉस्टल में रह रही थी, बबलू भी लखनऊ से लॉ कर रहा था, क्या इन दोनों के बीच का रिश्ता? कैसी बात कर रहे हैं साहब, बबलू बाबू तो शादी करने वाले थे। बबलू की भी शादी होने वाली थी? हाँ सर, उन्होंने तो लड़की भी पसंद कर ली थी, और बबलू बाबू की उसी दिन शादी होने वाली थी जिस दिन पुष्पा की। हाँ साहब, शुक्ला जी और उनका परिवार आया था, वो लोग चाय पी और भी चले गए।
और यहाँ से चाय पी के निकलने के बाद 7 किलोमीटर आगे सभी के मुँह से झाग निकल रहा था। क्या मिलाया था चाय में? सब हम क्यों मिला रहे चाय में कुछ? देखो अगर कुछ भी छुपा रहे हो अभी के अभी बता दो, वरना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। अब हम क्यों छुपाने लगे? हमको क्या गरज पड़ी है छुपाने की? हमने हाँ 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 याद आया साहब, उनके आने के बाद दो लोग आए थे और उनमें से एक आदमी के पास शायद पिस्तौल जैसा कुछ था। और जैसे ही शुक्ला जी की बस निकली पीछे पीछे वो लोग भी चले गए। उस एसयूवी का नंबर फेक था। उन लड़कों के चेहरे सीसीटीवी में कैप्चर हो गए थे और जल्द ही खबरियों से हमें उनका पता चल गया। और पिटना है या फिर बोलना है? बता दो साहब। उस दिन लगातार हम लोग बस का पीछा कर रहे थे साहब। सोचा था कि तुम्हें मिलेगा तो सबको मार देंगे साहब, लेकिन देखा कि एक जगह आगे जाके गाड़ी रुक गई थी साहब। हो गया काम? यहाँ तो पहले से ही काम हो रखा है सबका। क्या बात कर रहे थे? हाँ भैया। अच्छा सुनो, तुम लोग फटाफट वहां से निकलो। हम मानते हैं साहब कि उमाशंकर भैया ने हमें सबको मारने के लिए भेजा था, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है साहब। गोलियों से नहीं मारा, लेकिन पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला। सच बोल। इतना पिटने के बाद झूठ बोलेंगे साहब? हे नौटंकी, मेरे साथ नौटंकी नहीं, एक भी साबुत हड्डी नहीं बचेगी शरीर में। ये बोल, पुष्पा शुक्ला को कहां गायब किया? कौन रखा है पुष्पा को? पुष्पा शुक्ला को हमने नहीं गायब किया है साहब, बल्कि जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो किसी लड़के के साथ जा रही है साहब। शुक्ला परिवार को सिर्फ मारा ही नहीं गया, लूटा भी गया है। हमने चुराया है साहब, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है साहब। आगे की कहानी तुम्हारा बाप उमा शंकर पूरी करेगा। अरे सर, उमा शंकर को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अब भी यही बोल रहा है जो उसके आदमी बोल रहे थे, कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। सर, पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, एक समीर नाम के लड़के के साथ उसकी काफी बातें होती थी। सर समीर के डिटेल्स, घटना वाले दिन भी इन दोनों के बीच काफी सारे कॉल्स एक्सचेंज हुए थे, और उस दिन के बाद से ये समीर भी गायब है। इस समीर का पुष्पा से क्या कनेक्शन? सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कनेक्शन, दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। और भानु प्रताप पुष्पा की शादी कहीं और करवा रहा था? जी सर। तो हो सकता है कि ये पूरा कांड समीर और पुष्पा ने मिलकर किया और उसके बाद ये दोनों गायब हो गए। भाई साहब, इनका इलाज तो हो गया, अब ये खतरे से बाहर है, इनको होश भी अब आ जाएगा, हमको जाने दीजिए ना। तुम ठीक तो हो ना? आपको जहर दिया गया था, खतरे से बाहर। साला तुम्हारे खून में तो राजनीति था, ये जहर कहां से उतर गया? गायत्री पांडे की हत्या से शुरू हुआ यह केस, अब समीर भी हमारा सस्पेक्ट था। तब हम ये मानकर चल रहे थे कि पुष्पा अपनी मर्जी से समीर के साथ भागी होगी, क्योंकि पूरे परिवार को जहर देना अकेले समीर के बस की बात नहीं। और इस केस का अगला घुमाव हमारी सोच से भी परे था। जिस तरह पुष्पा का कनेक्शन समीर के साथ था, उसी तरह हो सकता है इस कांड का कनेक्शन बबलू से हो। बबलू के बारे में सब कुछ पता करो। बबलू और पुष्पा की जिनसे शादी होने वाली थी, उन्हें मिलने के लिए बुलाओ। ओके सर। सर, सर अब तक हम लोग ये मान रहे थे कि गायत्री के पेट में जो बच्चा है वो विष्णु का है, लेकिन उस बच्चे का डीएनए विष्णु के डीएनए से मैच नहीं करता। मतलब गायत्री की जिंदगी में कोई और लड़का था जिसने उसको प्रेग्नेंट किया? सर, गायत्री के हॉस्टल वार्डन ने बताया था कि अक्सर रात में गायत्री हॉस्टल नहीं आती थी, और उसके पिता ने भी यही कहा था कि बाराबंकी में होते हुए भी वो उसे मिलती नहीं थी, लेकिन गायत्री के कॉल रिकॉर्ड में विष्णु के अलावा ऐसा कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला जिसने उसे प्रेग्नेंट किया।
अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि गायत्री का यहाँ बाराबंकी में शुक्ला परिवार के यहाँ आना जाना था, और अब लग रहा है कि उसका यहाँ बाराबंकी में किसी और के यहाँ भी आना जाना था। बाराबंकी में जितने भी गायत्री के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे मिलो। गायत्री से जुड़ी हर बात हमें पता होनी चाहिए। सर, अरे सुनो, ये अभी तक आया नहीं क्या? तो तुम पुष्पा के साथ शादी करने वाले थे? हाँ सर, मैं बब्बू से प्यार करती थी और बबलू भी यही चाहता था। हमारी शादी उस दिन हो। बबलू की बहन पुष्पा की शादी तो कई महीने पहले ही फिक्स हो गई थी। बबलू तुमसे उसी दिन शादी क्यों करना चाहता था? सर, वो कह रहा था कि उसके पापा चाहते हैं कि जिस दिन उनके घर से बेटी जाए उसी दिन उनके घर में बहू आए। सर, हमको नहीं लगता कि भैया जी की ऐसी कोई इच्छा थी। वो तो बबलू बाबू के अफेयर के बारे में जानते भी नहीं थे। अचानक से बबलू बाबू ने जो है भैया जी को अदिति के बारे में बताया। हमने अपने लिए एक लड़की पसंद की है और हम चाहते कि पुष्पा की शादी वाले दिन हमारी भी शादी हो जाए। साहब, एक बात है जो बताना चाहते हैं आपको। कैसी बात? भैया जी का एक ड्राइवर था, कुमुद नाम है उसका। बबली भाभी के इलेक्शन जीतने के बाद अचानक से वो एक दिन हमारे पास आया और बोला कि पंडित जी, वो हमें गांव जाना है, छुट्टी चाहिए। और छुट्टी नहीं पंडित जी, गांव में कुछ काम है, हमें काम छोड़ना है। अब कुमुद ने कहा कि वो गांव जाकर खेती करना चाहता है। उसने अपना हिसाब किया और चला गया। उसके जाने के 4 दिन बाद ही ये कांड हुआ है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? साहब, कुमुद मेरे दिमाग में आया ही नहीं। पांडे, कुमुद का फोन नंबर और एड्रेस ले लो इनसे। साहब, चलिए। ठीक है सर। यहाँ बाराबंकी में गायत्री पांडे के एक अच्छी दोस्त के बारे में पता चला है। उसका नाम नीता है। दोनों ने स्कूल साथ में गया था। उसे थाने बुला लिया है। हाँ सर, गायत्री बाराबंकी आती तो थी और कभी कभी हमसे भी मिलती थी, पर हमें नहीं पता था कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। गायत्री की मौत हुए काफी समय हो गया है। गायत्री के फादर का घर तुम्हारे घर से ज्यादा दूर तो है नहीं। गायत्री के फादर ने ये बात तुमसे बताई नहीं? नहीं सर, हम उनसे बात नहीं करते थे। और हम तो क्या, गायत्री ने खुद उनसे सारे संबंध अपने तोड़ दिए थे। क्यों? ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से गायत्री ने अपने फादर से सारे संबंध तोड़ दिए? सर, जब आप इतना घिनौना हो तो कौन उससे संबंध रखेगा। गायत्री सिर्फ 14 साल की थी जब उसकी माँ गुजर गई, और उसके बाद से उसके पापा उसके साथ। पापा हमारा रोज रेप करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर हमने किसी को बताया तो हमें जान से मार देंगे। सर, वो घुट रही थी और हम उसकी चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे, पर फिर हमारे स्कूल फ्रेंड ने उसकी मदद की। कौन फ्रेंड? समीर, वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। हाँ सर, यही समीर। गायत्री, तेरे साथ इतना सब कुछ होकर तू चुप है? तुम्हें तो उस अपने कमीने बाप को अंदर करवा देना चाहिए था। हम ऐसा कर सकते थे समीर भैया, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सब हमारा परित्याग कर देंगे, सब आपके और नीता जैसे नहीं होते। अब वक्त आ गया है उसका परित्याग करने का। सर, समीर ने गायत्री को बहुत मोटिवेट किया और फिर गायत्री लखनऊ के एक हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। समीर बहुत हेल्प करता था उसकी। साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है साहब। हम अपनी बेटी के साथ। तूने तो गायत्री की शिनाख्त भी नहीं की थी, इसीलिए ना कि उसके पेट में तेरा बच्चा था। साहब, इतना बड़ा आरोप मत लगाइए, पिता है हम उसके। पिता है तो उसका, फिर भी वो तुझे फोन तक नहीं करती थी, तेरे साथ सारे संबंध तोड़ चुकी थी। नहीं नहीं साहब, वो हमसे नाराज थी। हम उसके लखनऊ जाके पढ़ने के खिलाफ थे और वो अचानक एक दिन घर से भाग गई और उसको भगाया वो समीर। उस समीर को अच्छा आदमी समझने की गलती मत कीजिए, एक नंबर का कमीना है साहब वो। उसने हमारी हमसे बेटी छीन ली। साहब, ये जो नीता है ना, ये समीर का पढ़ाया हुआ बोल रही है और समीर गायब है। हम रोज उसके घर से होके आते हैं लेकिन वहां ताला लगा होता है, और जो बच्चा है ना
वो समीर का ही होगा। अगर तुझे ये लगता है कि वो बच्चा समीर का होगा तो तूने समीर का नाम पहले क्यों नहीं लिया? अपनी मरी हुई बेटे का और बदनाम नहीं करना चाहते थे। तुमने कुछ नहीं किया कुछ तो नीता ने कहा था कि समीर गायत्री को अपनी बहन मानता है, लेकिन यहाँ ब्रिज कह रहा है कि गायत्री के पेट में जो बच्चा है वो समीर का है। अगर ब्रिज की बात सही माने तो फिर नीता झूठ बोल रही है। इस नीता पे नजर रखो और कैसे भी करके पता लगाओ कि समीर कहाँ मिलेगा। एक बार समीर हमारे हाथ लग जाए फिर पता चल जाएगा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सर, सर कुमुद मिश्रा अपने गाँव से भी गायब है और उसका फोन उस हादसे के दो दिन पहले से ही बंद है जब शुक्ला परिवार को जहर दिया गया था। इस कुमुद का समीर के साथ क्या कनेक्शन है? सर कुमुद के कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन कुमुद मिश्रा की विशंबर दास नाम के आदमी से काफी बातें होती थी। है कौन ये विशंबर दास? साहब विशंबर दास तो अम्मा जी के गुरुजी का नाम है। गुरुजी? हाँ साहब, कुलदेवी के मंदिर के पास ही तो उनका डेरा है। उस दिन शुक्ला परिवार गुरुजी के आमंत्रण पर ही मंदिर जा रहा था। सर जो मिठाई का डब्बा हमें बस में मिला था उसी में जहर मिलाया गया। उस मिठाई में वही जहर मिला है जो सबकी बॉडी में मिला था। कहां से खरीदी गई थी ये मिठाई? सर ये होममेड लड्डू। हेलो, व्हाट? यानी किसी ने पर्पसली ऑक्सीजन मास्क लगाया। कल तुम ड्यूटी पे थी ना? हाँ सर। तो तुम्हें पता होगा मास्क किसने हटाया? मैं नहीं जानती सर, मैं बाकी मरीजों को देखने में लगी थी। हाँ, लेकिन रात में उनका सर्वेंट पज्जू यहाँ आया था और सुबह जब मैंने ऑक्सीजन मास्क हटा देखा तो वो हॉस्पिटल में नहीं था। नमस्ते साहब, पहले रात में हम वहां थे उसके बाद हम यहाँ आ गए। और आते आते भानु प्रताप का ऑक्सीजन मास्क निकाल के आए। नहीं साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जानते थे कि अगर वो बच गया तो तुम नहीं बचोगे। लड्डुओं में जहर तुमने ही मिलाया था ना? नहीं साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो लड्डू तो माँ जी ने खुद ही बनाए थे और प्रसाद तो माँ जी खुद ही बनाती थी साहब। गलती से भी किसी का हाथ लग जाए तो? विमला, प्रसाद के लड्डुओं का हाथ कैसे लगाया तूने? साहब उस दिन के बाद हमने प्रसाद छूने की गलती नहीं की साहब। डॉक्टर अक्षत, सुमिता और बबली शुक्ला ही बचे हैं। हमारे इनसे बात करना बहुत जरूरी है। ये दोनों अपना बयान देने की हालत में कब तक आ जाएंगे? सर सुमिता शुक्ला की हालत अभी भी बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सर सर कुमुद और विशंबर दास, इन दोनों की बैंक स्टेटमेंट चेक की मैंने, काफी कुछ मिला है दोनों के खिलाफ। तुम दोनों की सारी सौदेबाजी क्लियर हो गई, अब बोल क्या चक्कर है या फिर? साहब साहब साहब, मैं बता रहा हूँ साहब, कुमुद के वजह से ही मैं सुमिता शुक्ला को ठग रहा था। 6 बरस पहले वो अपने बेटे मुन्ना का कातिल का पता लगाने के लिए उत्सुक थी और उसी बात का फायदा उठाकर कुमुद उसे हमारे पास लेकर आया। तब कुमुद मुन्ना के बारे में जो हमको बताया था हम सुमिता को वही बताते थे और उसे लगता था कि हम कोई अंतर्यामी है। फिर सुमिता खुश होकर हमें दक्षिणा देने लगती, फिर उस दक्षिणा को हम दोनों आपस में बांट लेते। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता साहब। वो प्रसाद के जिन लड्डुओं का भोग लगा के गई थी, जहर मिला था उनमें, ऐसा भी क्या भोग लगाया था तूने? नहीं साहब, हमें नहीं पता है कि उस लड्डू में जहर किसने मिलाया था। सुमिता शुक्ला को अपने पूरे परिवार को कुलदेवी के मंदिर लाने के लिए तूने ही कहा था ना? हमने उनसे वही कहा जो कुमुद ने हमको बोला था। अब इसके पीछे कुमुद की क्या मंशा थी हमें नहीं पता साहब। ये कुमुद कहाँ मिलेगा? साहब हमें ये नहीं पता। अच्छा, अरे विशंबर ने बताया कि सुमिता शुक्ला को लगता था कि उसके छोटे बेटे मुन्ना का मर्डर हुआ है। सुमिता के घर की छानबीन करो और मुन्ना से जुड़ी हर बात पता करो। ओके सर। सर एक बात पता चली है, तिलक नगर पुलिस स्टेशन में इस डॉक्टर चतुर्वेदी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई। इसके क्लिनिक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला तो पता चला इसे किडनैप किया गया है और जिस कार में किडनैप किया गया है वो समीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। मतलब इस डॉक्टर का किडनैप भी समीर ने किया है? समीर और कुमुद हमारे प्राइम सस्पेक्ट थे। डॉक्टर चतुर्वेदी को पुष्पा के इलाज के लिए किडनैप किया गया था। हेलो, सर बता रहे हो सर, बता रहे हो सर, सर बता बोल। सर हम पुष्पा का किडनैप नहीं करना चाहते थे,
बल्कि वो तो खुद हमारे साथ भागना चाहती थी। हाँ सर, समीर सही बोल रहे हैं, हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन बाबूजी हमारी शादी कहीं और करा रहे थे। समीर के साथ भागने के लिए तुमने अपनी पूरी फैमिली को मार डाला। तुम्हें अपनी फैमिली से इस बात की भी नफरत थी ना कि भानु प्रताप ने विधायकी का टिकट तुम्हारी भाभी बबली शुक्ला को दिलवाया। हाँ सर, हम नाराज थे, लेकिन हम अपने परिवार को क्यों मारेंगे, जहर तो हमें भी दिया था ना। लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो, क्या षड्यंत्र रचा था तुम दोनों ने? सर हमने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, हमारा समीर के साथ भागने का प्लान था, अपने परिवार के साथ आखिरी वक्त बिताना चाहते थे और उसके बाद समीर के साथ भाग जाने वाले थे, लेकिन एकदम से सर हम शॉर्टकट वाले रास्ते से मंदिर जा रहे थे पुष्पा को भगाने के लिए, तभी अचानक हमने देखा कि बस सड़क से सीधा झाड़ियों में चली गई। सर हम डर रहे थे कि कहीं हम फंस ना जाए, इसलिए हमने पुष्पा को अपने साथ रोक के रखा था। हम पुष्पा से बहुत प्यार करते हैं। तुम पुष्पा से प्यार करते हो, ये गायत्री पांडे से क्या रिश्ता है तुम्हारा? सर उसे हम अपनी बहन की तरह मानते हैं। लेकिन उसके बाप का तो कुछ और ही कहना है, उसका कहना है कि गायत्री के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। नहीं सर वो झूठ बोल रहा है, वो कमीना तो खुद गायत्री का रेप करता था। साहब ये लड़का झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रहा है? साहब आप चाहो तो गायत्री की फ्रेंड नीता से पूछ सकते हैं। अरे साहब साहब बताता हूँ, साहब हमने गायत्री की मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन उसका मजबूर ये करता था। तू सही कहती थी, तेरा बाप बहुत कमीना है। मैंने ना ये सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया। भैया अब भैया भैया मत कह। मतलब कमीने तुम दोनों थे, इसीलिए गायत्री को मारा था? नहीं साहब, हम मानते हैं कि गायत्री के पेट में हमारा बच्चा था, लेकिन हमने गायत्री को नहीं मारा। दिनेश तोड़ साला। सर सर मैंने शुक्ला सदन में छानबीन की तो वहां भानु प्रताप की एक डायरी मिली। सर भानु प्रताप ने अपनी डायरी में कुछ नंबर अजीब नाम से लिखे हुए हैं। जैसे? सर जैसे 50,000, 30,000, 1,00,000। सर ये जो 1,00,000 लिखा है ये पज्जू की वाइफ विमला का नंबर है। सर इन्होंने भानु प्रताप से 1,00,000 रुपए कर्जा लिया था, बस वही वसूलने के लिए वो हमारे साथ। अपने लुगाई के समझा दे ये नखरे कम किया करे, अभी ब्याज वसूला है, मूल बाकी है, समझा? भानु प्रताप तुम्हारा शोषण कर रहा था, इसी का बदला लिया ना तुम लोगों ने? नहीं साहब, माना कि हम खून का घूंट पी रहे थे साहब, लेकिन ये सब करने की हमें हिम्मत नहीं है। हेलो सर, बबली शुक्ला को होश आ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम उससे मिल सकते हैं। ओके सर, हमें नहीं पता कि पज्जू और विमला ने क्या किया है, लेकिन लड्डू अम्मा जी ने ही बनाए थे और अम्मा जी भोग लगाने से पहले किसी को भी लड्डुओं को हाथ नहीं लगाने देती थी। ऐसा क्या होता था उन लड्डुओं में कि वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी? सर हमें लगता था कि वो सात्विकता रखने के लिए ऐसा करती थी, लेकिन बाद में लगा कि वो अपना संकल्प ना टूट जाए इसलिए वो ऐसा करती थी। कैसा संकल्प? उन्होंने संकल्प लिया था कि वो अपने छोटे बेटे मुन्ना के कातिल का पता लगाएंगी। उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि उनके बेटे मुन्ना का मर्डर हुआ था? डेथ सर्टिफिकेट में तो साफ है कि उसकी मौत एक लंबी बीमारी के कारण हुई थी। सर हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। ये सुमिता का कोई भ्रम था या उसमें कोई सच्चाई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं था, अघोरी उसे छल रहा था। उस वक्त हम ये थ्योरी बना रहे थे कि क्या वो औरत खुद उन लड्डुओं में जहर मिलाएगी, लेकिन उसका हमें उस वक्त कोई पुख्ता प्रमाण या वजह नहीं दिख रही थी। हम शुक्ला परिवार के हर जानने वाले से मिल रहे थे, लेकिन बबलू शुक्ला की जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसका बयान हमें सोचने पर मजबूर कर रहा था। सर ये बात सच है कि हम बबलू से बहुत प्यार करते थे, पिछले 5 सालों में हमने उसे कई बार प्रपोज किया लेकिन उसने हमें मना ही किया, पर एक दिन अचानक उसने हमें मिलने के लिए बुलाया। अदिति तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? हाँ। हम तैयार हैं। सर बबलू ने हमें हाथ तो कर दिया था, लेकिन हमें फिर भी लगता था वो हमें प्यार नहीं करता था। प्यार नहीं करता था तो फिर उसने तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की? आई डोंट नो सर, पर
कोई ना कोई वजह जरूर थी, कुछ जान पाते उससे पहले ही सब हो गया। और कुछ ऐसा बबलू में था जो तुम्हें अजीब लगा हो? सब पिछले 7-8 महीने से वो लखनऊ में था, घर पे जाता ही नहीं था। ऐसे लगता है जैसे वो जानबूझ के घर पे जाना अवॉइड कर रहा था। साहब बबुल बाबू ने अचानक घर आना बंद कर दिया था, वजह तो हमको भी समझ नहीं आ रही थी। पिछले 7-8 महीने के दौरान ऐसा क्या हुआ था घर में जिसका असर बबलू पे पड़ा हो? इस दौरान बहुत कुछ हुआ। जैसे? जैसे विष्णु का शादी हुआ और बबली भाभी चुनाव जीत गई। विष्णु की शादी कब हुई थी? यही 7-8 महीने पहले। पहले तो उनका शादी नहीं हो रहा था। शादी क्यों नहीं हो रही थी? वो मांगलिक थे ना, तो उनका शादी नहीं जुड़ रहा था, लेकिन बबली भाभी इन बातों को नहीं मानती थी। बबली शुक्ला के बारे में सब कुछ पता करो, मुझे लगता है इस कहानी का दी एंड वही सुनाएगी। सर ये क्या बदतमीजी हो रही है, हमें क्यों लाया गया है यहाँ पे, क्या हो रहा है ये सब? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। पर ये क्या बबली जी, पूरी महाभारत खत्म हो गई और आपने अपना सही सही परिचय नहीं दिया हमें। कहना क्या चाहते हैं आप? बबलू से आपका क्या रिश्ता था? आप खुद बताएंगे या फिर हम हमारे तरीके से उगवाए हैं? कसम हमारा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन हम बनाना चाहते थे, प्यार करते थे उससे, लेकिन उसको हमारी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं थी। फिर भी हम बबलू से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसको अपनी जिंदगी में लाने का हमने दूसरा रास्ता खोजा। उसके बड़े भाई विष्णु की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि वो एक मांगलिक था, इसलिए हमने उससे शादी कर ली और उसके घर पहुंच गए। लेकिन हम जैसे बहू बनकर घर पे गए तो बबलू ने वो घर छोड़ दिया, वो वकालत की पढ़ाई करने लखनऊ चला गया। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हम उस घर में गए थे वही हमारे पास नहीं था। फिर हमने सोचा कि एक विष्णु ही है जो बबलू और हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है, क्यों ना हम उसी को हटा दें। और हमें शक था कि विष्णु और गायत्री का चक्कर चल रहा है, इसलिए हमने कुमुद से कह के गायत्री को मरवा दिया ताकि सारा शक विष्णु पर चला जाए। लेकिन उसकी लाश की पहचान करने में आप सबको वक्त लग गया और वो सब चौपट हो गया। फिर हमने दूसरा प्लान सोचा, विष्णु को रास्ते से हटाने का। हाँ, हमने ही विष्णु पे गोली चलवाई थी, लेकिन वो फिर भी बच गया। लेकिन उसका नतीजा अच्छा हुआ, बबलू वापस आ गया था। क्या कर रही हो तुम? हमारी भाभी बनकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हो तुम? हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। हमको लगा हम फिर से कोशिश करेंगे बबलू के पास आने की, लेकिन उससे पहले ही बाबूजी हमने अपने लिए एक लड़की पसंद की है, लेकिन बबलू ने हमें जलाने के लिए अदिति से शादी करने का फैसला कर लिया था। फिर हमने सोचा अगर बबलू हमारा नहीं हो सका तो हम उसे किसी और का भी नहीं होने देंगे, ना हम रहेंगे ना वो रहेगा और ना ही उसका पूरा परिवार। लेकिन मैं बच गई। भानु प्रताप का ऑक्सीजन मास्क तुम्हें ना हटाया था ना? हाँ। और इस सब में कुमुद तुम्हारा साथ दे रहा था, गायत्री को भी कुमुद ने मारा ना? हाँ। कुमुद कहाँ है जिसने सब में तुम्हारा साथ दिया? कुमुद को तो हमने खाई में धक्का मार दिया, अब सर घेहूं के साथ खून तो पिसता ही है। जिसको हमने अपना माना था वही अपना नहीं हुआ, तो फिर क्या वो और क्या बाकी सब? अब हो गया वो अपना, ये कैसे सोच लिया कि हम तुम तक नहीं पहुंचेंगे? और बिल्कुल सही कहा बबली जी, गेहूं के साथ घूम तो पिसता ही है, अब पीसना गेहूं पूरी जिंदगी जेल में। बबली का बबलू के लिए पागलपन सालों पुराना था और बबलू को इस बात की लगातार दस्तक भी मिल रही थी, लेकिन बबलू ने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया। यहां तक कि बबली उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी बनकर उसके घर आ गई, लेकिन बबलू ने इस दस्तक को भी नजरअंदाज किया और अंत में उसका परिवार बिखर गया। लोग इस तरह के अपराधों को अपनी जिंदगी में अपने आसपास कई बार देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और जब जब इस तरह की चूक होती है अपराध अपने पांव पसार लेता है।
अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।